मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान राजा मेरा ख्वाजा है 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 इस देश का सुल्तान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान के दिल्ली में निजामुद्दीन जो लोग हमें अकेला समझते हैं उन्हें सुना देना के दिल्ली में निजामुद्दीन मुंबई में अली हाजी कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती और शहर बरेली में रहते हैं रजा खान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान और अल्लामा फजले खैराबादी की जबान पर क्या था अपने वतन की मोहब्बत में मैं ये शेर के जरिए पहुंचा जिंदाबाद ताजेश्वरी कि मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान राजा मेरा ख्वाजा है राजा मेरा ख्वाजा है इस देश का सुल्तान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान कि ये लाल किला देखो ये लाल किला देखो ये ताजमहल देखो मीनारों की ऊंचाई है मिसल जबल देखो जाओ के जहां पाओगे बस मेरी ही पहचान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान के कुछ भी हो मगर आगे कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा भारत के लुटेरों से खेला होवे के कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा इस देश की उल्फत में इस मुल्क की उल्फत में हो जाऊंगा कुर्बान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान तो क्यों डर के जीऊ रखूं क्यों बंद मैं मुंह अपना जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना क्यों डर के जीऊ रखूं क्यों डर के जीऊ रखूं क्यों बंद मैं मुंह अपना जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना इस मुल्क की मिट्टी पे इस देश की मिट्टी पे मेरा भी है एहसान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी मुसलमान मैं भारत का मुसलमान और हदीस शरीफ के हवाले से नारे तकबीर नारे रिसालत ख्वाजा का हिंदुस्तान हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान सुने मोहब्बत से बोले यार रसूलल्लाह कि कुछ भी हो मगर आगे क्यों डर के जीऊ रखूं क्यों बंद मैं मुंह अपना जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना इस मुल्क की मिट्टी पे मेरा भी है एहसान मैं भारत का मुसलमान मैं हूँ सुन्नी
मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान और उस मुल्क के गुण गाओ। अच्छा, अपने वतन से मोहब्बत क्यों करते हैं, है ना? सुन्नियों की वफादारी में शक करने वाला कितना बेवकूफ अहमक है, अहमकुल हमका है नहीं कि जो अपने औलिया से मोहब्बत करते हैं, जो ख्वाजा अजमेरी के चाहने वाले हैं, जो उस हिंदुस्तान को छोड़कर छोड़ने पर कल राजी हुए थे ना आज राजी हैं, वो अपने वतन से गद्दारी कैसे कर सकते हैं, है ना? वफादार सुन्नियों की जानिब से एक शेर सुनना, मोहब्बतों से बोले यार सोला। उस मुल्क के गुन गाओ जिस मुल्क में रहते हो, गुलफाम रजा हक है लोगों से जो कहते हो। उस मुल्क के गुन गाओ, उस मुल्क के गुन गाओ जिस मुल्क में रहते हो, गुलफाम रजा हक है लोगों से जो कहते हो। भूला था ना भूलूंगा आका का ये फरमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं हूँ सुन्नी मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। और एक बहुत बड़ा कलाम और मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दीजिए थोड़ी देर, सुनिए मोहब्बत तो सुबह ले यार सुल्ला। अब पढ़ूंगा मैं।